रेशम ये समस्या है जी, परेशान हो रहा है, पानी भर जाए, दो बूंद पड़ते घर में पानी भरा है, भी भरा रहा है, बिना बरसात भी पानी भरा रहा है, इस बार में नाले बंद से, नाले खुलते नहीं रही, खोल नहीं देते, SDM का भी जा लिए, मैम भी जा लिए, हम सारा जा लिए, नाले नहीं खुल रहे। ये सोचा है नाला साफ हो जाए, नाले खुलने चाहिए, और हमने के शोक से जाम लगाने का हमारी बात समझी या समस्या भाई, नाले बंद हो रहे हैं, काल भरी से राम बरसा जब भी ना बरसा जब भी है तो ये खुलने चाहिए, हम सारा हंड लिया, हमारी कोई भी सुनाई नहीं कर रहा, तो हूं ही चाहिए सुनाई, नहीं तो रोड दाम रहेगा, इतना खुला नहीं। रणधीर समस्या जी, पानी भरिया है ये ना, तो इसने कोई सरपंच ना कोई करनिया नहीं है, बताओ गाड़ा में घर में पानी पड़ा है के है, और रोड जाम ना करेंगे और के करेंगे लोग, बताओ कोई सुनाई नहीं है, यार बिना माटी कर रखे लोग की, ठीक है हैं, मांग है हमारा पानी सफाई करवाओ, ये रोड टूटा पड़ा, इसका बुरा हाल हो रहा, सारा पानी छिड़कम छिड़का, बताओ के करा प्यारी। समस्या जी नाले की है, ये नाले खुलाओ, हमारे बालक भी स्कूल में जान बेसर बैठे पानी में गले कड़ा है, नाले खुलन कर स्कूल में जाने का के स्कूल में पानी तो नहीं जा सकते, पानी भरिया काल में बारिश तो भी तक होई नहीं, एक बारिश हुई हां तो ये सब देख लो आप, मौका देख लो, हमारे दिल जाते पानी भरिया है, एक तो पल निकलता नाले बंद हैं सड़क के, ये नाले खुलाओ जब पानी लकड़े है, गांव का जो सरपंच है उसको कहना चाहिए, सरपंच ने बोला मेरा तो रिकॉर्ड खोज लिया, मैं की जाऊं ये बताओ हम के करा, और मैम जा लिए, वीडियो का जा लिए, SDM का जा लिए, कोई सुनाई नहीं। भाई नाम बलराज है, समस्या की है जो जाम लाया, समस्या भाई या थोड़ी बारिश होती, एक तो ये नाले बंद हैं, अच्छा पानी नहीं उतर रहा, पानी निकासी ठीक ढंग से नहीं हो रही, अरे ये रोड भी टूटा पड़ा सारा, अरे इसका कारण कोई सुनवाई नहीं हो रही, और सारी ये पंच गाड़ी जो तो भरिए रहे हुए हैं, इस करके इसमें परेशानी है, और भाई ने सब सहयोग करो और इसका समाधान हो जाए, जाम लगाने का कोई इसका उचित क्या किसी अधिकारी से मुलाकात करी है? हाँ गए थे हम SDM ऑफिस में भी गए थे, दरखास्त दे के आए थे, हाँ। तो उनने भी कोई सुनवाई नहीं करी, दो चार बार जे ही तो मिले, हाँ और जो जनचेतना मंच है उसने भी कई बार दी है लग के आगे भी, कोई फिर सुनवाई नहीं हो रही, इस करके हमने रोड के ऊपर जाम लगाना पड़ रहा है। ये जो रोड टूटा हुआ है इसके बारे में भी आपने बात करी किसी से? इसके बारे में भी गए थे एक दिन RTO ऑफिस में भी गए थे, कई जगह वो कहते हैं कोर्ट केस चल रहा है, इसका समाधान होगा, होता है नहीं समाधान, 3 साल से ये आश्वासन दे के खंडा दें गाँव के जो भी आदमी जा रहे हैं, फिलहाल मांग है, फिलहाल तो मांग ये है पहले तो नाले साफ हो जाए, ये गाड़ खाली हो जाएंगी, आने जाने का रास्ता खुल जाएगा, यही समस्या तो पंडा छूट जाएगा।